हे बड़ी, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जेई विद अस। कुछ मेरे बारे में, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन, ठीक है? मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। माय डियर, आपको जैसे कि पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसका नाम है रीएजेंट की सीरीज, ठीक है? इसका नाम है रीएजेंट की सीरीज। एंड इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज की इस सीरीज में जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है सेलेनियम डाइऑक्साइड, दैट इज SeO2, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये हमारी केमिस्ट्री में, हमारे JEE और नीट में क्वेश्चन जिससे पूछता है क्या होता है, कैसे इसको ऑप्टेन करते हैं, क्या इसकी प्रिपरेशन होती है, इसके बारे में हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। फिर इसके रोल पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रोल पे ज़्यादा आते हैं रदर देन कुछ, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं इसकी रिएक्शंस को, सेलेनियम के ऑक्स रिएक्शंस को, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मैं बात आपसे करता हूँ, तो ये पहली बात होगी प्रिपरेशन को लेके। माय डियर, सेलेनियम ऑक्साइड को प्रिपेयर करने का सबसे प्यारा तरीका है कि आप प्योर सेलेनियम ले लीजिए और उसको ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, कह सकते हो एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो आपको सेलेनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है? जब हम लोग इसको एयर प्रेजेंस में कराते हैं, तो याद रखिएगा आपको ब्लू कलर की फ्लेम ऑब्जर्व होती है, ठीक है? ओके, सेलेनियम को जब हम लोग बर्न करते हैं, हीट करते हैं यहाँ पे, तो आपको ब्लू कलर की कुछ फ्लेम्स मिलती है। यूँ कहूँ, जब आप फ्लेम टेस्ट देते हो तो सेलेनियम में उसका ब्लू कलर नज़र आता है, ठीक है? तो आपको बस याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए, कि सेलेनियम को जब आप हीट करोगे एयर के साथ, सो दैट आप सेलेनियम ऑक्साइड बना सको, तो उस केस में जो फ्लेम निकलती है वो कौन कौन सी होती है? ब्लू फ्लेम आपको ऑब्जर्व होती है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी अपन लोग इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए नाइट्रोजन पर ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है? तो लिख लीजिएगा, द कैटलिस्ट यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड इज नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है? ओके, तो छोटी सी बात थी बहुत, इसकी ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? एग्जिस्टेंस इसका कैसे होता है? तो माय डियर, ये एक वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, वाइट क्रिस्टल्स फॉर्म्स होते हैं, आपको आप देखोगे इसके तो वाइट क्रिस्टल फॉर्म मिलेंगे, ठीक है? और जनरली अपन लोग इसको जो है, इसके क्रिस्टल फॉर्म को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो सेलेनस एसिड बन जाता है, सेलेनस एसिड आपको मिलता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन फ्यूचर जब भी हमको रिएक्शन कराना होता है, तो अपन उसको सेलेनस एसिड के फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी सेलेनस एसिड के फॉर्म में ही ऑब्जर्व की गई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, क्या इसका रोल होता है। तो बस बेसिक सी बात याद रखिएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे वाइट क्रिस्टल्स होते हैं। अब जब आप क्वेश्चंस करते हैं ABCD टाइप, तो वहाँ बोलेगा वाइट क्रिस्टल बन रहा है फलाना, उस पर सेलेनस एसिड बन रहा है, इससे पहले वो उसकी ब्लू फ्लेम थी। तो आप समझ जाइएगा कि इसकी कुछ कुछ बातों को, कि ये इसके बारे में बात कर रहा है हमसे, ठीक है? ओके, नॉर्मली इसका जो मेन काम होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसके चार पांच रोल होते हैं, मैं चार पांच रोल आपको बताने जा रहा हूँ रोल ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में, ठीक है? पहली बात तो देखो, असल में ये हमारा ऑक्सीडेशन करने का काम आता है, ठीक है? ऑक्सीडेशन करता किसको है? ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप्स, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है? इसके अलावा इसका काम एलाइलिक कार्बन्स का, एलाइलिक कार्बन्स का हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, ठीक है?
तीसरा ये रिएक्शन करता है अल्काइन्स के साथ, चौथा ये डीहाइड्रोजनेशन करता है, और पांचवा ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है। अपन लोग धीरे धीरे एक एक करके इसके रोल को, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। दोस्त इसकी मैकेनिज्म एसएच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत बार कभी भी इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी गई है इसका, लेकिन रोल पूछा गया है तो मैं आपको इसका रोल बताऊंगा और बताऊंगा कि जेई में इस पर क्या क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। ठीक है, तो आपका काम यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला काम है एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन देखना। क्या कहने का सेंस है मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप ठीक है, जैसे कि एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के जब आपके बगल में यहाँ पे सी एच टू होता है, अब ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये आपका कीटोन भी हो सकता है, यहाँ पे जो आपको ये कार्बन दिख रहा है ये हमारा एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप होता है, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप होता है ये, इसी को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो ये डिपेंड करता है ये इसका एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है या इसको कीटोन में कन्वर्ट करता है। अभी देखेंगे कैसे करता है। ऐसा करने के लिए इसको थोड़े से हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, करीबन 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस में ऐसा होता है। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसके टेम्परेचर को नापा गया है और जो टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है वो बुक्स में लिखा गया है। ठीक है, इसके बीच का वेरिएबिलिटी कुछ हो सकती है, एरर हो सकता है, ठीक है, बट लगभग 100 से लेकर 140 के बीच में इसका टेम्परेचर कंसिडर किया गया है। ओके, तो इसका जो मेन काम है वो पहला एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन करना है। बट होता क्या है, कैसे ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, आइए देखते हैं। जब आपके पास कभी भी एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपका सी एच थ्री है, तो इसमें जब आप सेलेनियम डाइऑक्साइड डालते हो तो ये आपको कुछ ऐसे ऑक्सीडाइज करते हुए नजर आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से कैसे यहाँ पहुँच गया, इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म छुपी हुई है। ऑल दो मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ दोस्त, इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इवन बुक्स लिखती हैं कि कोई इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म अभी तक है ही नहीं, जो हम लोग बस लिखते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस से वो एक अलग बात है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई एक्जैक्ट मैकेनिज्म अपने पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे रोल होते हैं और हर रोल में ये अलग अलग मैकेनिज्म रोल प्ले करने लगता है, इसलिए इसके मैकेनिज्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ बट आप उसको बहुत ज़्यादा तहे दिल से ले मत लीजिएगा कि ऐसा कैसे, इसके पीछे मैकेनिज्म बहुत सिंपल सी है। देखिए होता क्या है, अगर मेरे पास ये कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, ओके, तो आप सबसे पहले इसको टॉटोमराइज करते हो, और जब आप इसको टॉटोमराइज करते हो तो ये कीटो से अपने इनॉल फॉर्म की तरफ चला जाता है। ठीक है, और इसका जो इनॉल फॉर्म होता है वो इसके कीटो फॉर्म से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इन रिएक्शन में इसके इनॉल फॉर्म को प्रोसीड कराते। इसकी दो मैकेनिज्म मैंने पढ़ रखी है, दो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मैकेनिज्म इसको प्रपोज की गई है, मैं आपको दोनों ही दिखा दूंगा, बात दोनों का काम एक ही बन रहा है। पहली मैकेनिज्म है कि आप सीधे सेलेनियम ऑक्साइड लीजिए, और सेलेनियम ऑक्साइड का ये वाला जो हिस्सा है ये आपको असल में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर लगेगा। इसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा, कहने का बहुत सिंपल सेंस है कि आप क्या करते हो, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं ऑक्सीजन के लोन पर, इसके ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन यहां, और इसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है और ये यहाँ शिफ्ट करता है। जब ये ऐसा करता है तो एक कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म टाइप बनने लगती है, यहाँ पे ओ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सी ऐसे, यहाँ पे ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड जैसा, राइट। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो आप इसके एच प्लस को यहाँ से खाली करते हो, ठीक है, और इसके साथ इंटरेक्ट करा देते हो, इट्स समथिंग लाइक कुछ सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये वैसे का वैसे इधर,
यहाँ पे ऐसे, और ये कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है, ओके। बट माय डियर, फिर से यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसके पास, इमेजिन करेगा मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन था एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से, ठीक है, यहाँ से इसका जो हाइड्रोजन होता है वो बाहर निकलता है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे ये ऐसे बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये ऐसे इंटरेक्ट करने लगता है, ये बॉन्ड खुलने लगते हैं, और इसके बाद यहाँ से आप वाटर का हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, ये कह सकते हो आप। थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ बॉन्ड बनाया होगा, है ना, और इसके बाद ये जो है आपको रीअरेंजमेंट करते हुए H प्लस को डालने के बाद यहाँ से रीअरेंज करोगे, और रीअरेंज करोगे तो यहाँ से आपको पानी बाहर निकलेगा। रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है कि ये इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है, ये यहाँ से अलग होने लगता है, ठीक है, और आपके हाथ में ये C डबल बॉन्ड्स O और C डबल बॉन्ड O कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये पहली मैकेनिज्म जो बुक्स ने दे रखी हैं, बट मैंने आपसे क्या कहा कि कोई प्रपोज मैकेनिज्म एक्चुअल है नहीं, तो एक मैकेनिज्म और भी है, वो कुछ ऐसी है, वो इससे एकदम अलग ही लेवल पे जा रही है, उस तो पता नहीं समझाना क्या चाहती है मैकेनिज्म, ठीक है। पहले आप इसका इनॉल्व फॉर्म में लेके जाइए, ये आप कह सकते हैं कि ये मैकेनिज्म नंबर 2 है। यहाँ पे आप OH ले आए, ये डबल बॉन्ड सी। अब आप क्या करते हैं, जैसे सेलेनियम ऑक्साइड होता है डाइऑक्साइड, आप सेलेनियम की जगह सेलेनस एसिड ले लेते हो, जो उसका पानी वाला फॉर्म है, इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसे, आप ये लेते हो। और जब आप इसको लेते हो ना, जब आप इसको लेते हो तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ अलग लेवल की चलने लगती है। असल में ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस ऑर्बिटल से यहाँ ट्रांसफ़र करता है, ये यहाँ ट्रांसफ़र करता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, और कुछ अलग लेवल की इसकी एक कंसर्टेटेड इन टाइप मैकेनिज्म फॉलो होती है, जो कि एस एच हमारे कोर्स में नहीं है इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलेनियम फॉर्म मिलता आएगा नज़र, ओके, और ये आपको सेलेनियम बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन से अट्रैक्शन नज़र आता आएगा, ये आपको सेलेनियम, ठीक है, यहाँ पे आपको ओएच नज़र आएगा, और ये जो ओएच था ये पानी के फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये जो ओएच है ये पानी के फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो लगभग लगभग आपको सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से प्योर फॉर्म ऑफ सेलेनियम बाहर निकलता है, फिर से यहाँ पे अपन लोग हीट करते हैं, यहाँ अपन लोग फिर से हीट करते हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ सेलेनियम बाहर निकलता है। ये हीट कुछ इस तरह होगी कि यहाँ से पानी वानी बाहर निकाल देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ चले जाएंगे, और ये आपको सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ प्लस प्योर सेलेनियम बाहर निकलता है, प्लस पानी बाहर निकलता है। दिस इज़ द सेकेंड मैकेनिज्म जो मैंने बुक में रीड की, जो हमने पढ़ा, बट उन्होंने एक साफ साफ सी लाइन लिखी हुई है कि देर इज़ नो एक्चुअल मैकेनिज्म जो उसको सही से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। ऐसे इन कंसर्टेड कंसेप्ट होता है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आप उस पर डिस्कशन नहीं करते हो, ठीक है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ दोस्त, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है कि इससे जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे वेरिएबिलिटी दिखा रहे हैं, कैसे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था इसके रोल की, वही मैं मेन समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड मिथिलीन ग्रुप। एक कुछ एग्जांपल के साथ लेना शुरू करेंगे, सॉरी ये ले लिया, एंड सेलेनियम
डाइऑक्साइड लिया, ये जो आपको एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप दिख रहा है ना दोस्त, ये ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर दोस्त थोड़ी देर के लिए ये आपका कीटोनिक फॉर्म में होता और आप इसमें सेलेनियम ऑक्साइड डालते, तो ये जो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप दिख रहा है आपको, ये भी ऑक्सीडाइज होके CH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मन में कुछ बात जरूर उमड़ी होगी, मैं बताता हूँ क्या उमड़ी होगी। वो कुछ ऐसे उछलती है कि अगर मान लीजिए सर वो अनसिमेट्रिकल हुआ तो तब क्या करेंगे आप? तब तो आपके पास दो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप है ना, एक आपको एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो माय डियर, ऐसे केस में जब आप सेलेनियम ऑक्साइड डालते हो तो मेजर प्रोडक्ट उसको कंसिडर करते हो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरे वाले को हम लोग माइनर कंसिडर करते हैं। बनेगा दोनों प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है, एंड दूसरा प्रोडक्ट दोस्त आपका ये बनेगा। इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये और एक ये बनते हैं। बट दोस्त इसमें से एक प्रोडक्ट हमारा मेजर बनता है और एक प्रोडक्ट माइनर बनता है, तो ये वाला दोस्त हमारा मेजर होता है और ये वाला हमारा प्रोडक्ट माइनर होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे, दो अल्फा थे, यहाँ पे तीन अल्फा थे। तो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हैं, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसको अपन लोग मेजर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत नई चीज़, अगर आपके सामने एसिटोफिनोन है और आप इसमें सेलेनियम ऑक्साइड कर रहे हैं, तो ये बेंजीन का ध्यान ना रखते हुए सीधे इसको उठा के कन्वर्ट कर देगा CHO में, ठीक है। तो आप इस बात के लिए मत सोचिएगा कि बेंजीन के बगल में है तो होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आराम से करिएगा, प्रोडक्ट बनाएंगे अभी हम लोग, अभी उसके और भी रोल देखने वाले हैं। इसके अलावा एक रोल आपको यहाँ नज़र आएगा, ठीक है, इसको डाइथाइल मेनोलेट बुलाते हैं, मेलोनेट बुलाते हैं, डाई इथाइल मेलोनेट, और आप इसको सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करते हो। तो दोस्त आप देख पा रहे हो कि ये जो कार्बन है ये एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे, री एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप, तो आप इसका ऑक्सीडाइज कर देते हो बस और यहाँ पहुँच जाते हो। माई डियर, परेशान ना होइएगा, ऐसा भी प्रोडक्ट बनते हुए आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं डाई इथाइल, ठीक है, मीजो जालेट, नाम से आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भी नहीं यार, ठीक है। जेई में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके नाम को इसमें कन्वर्ट करना है, मीन उसके काम इंपॉर्टेंट हैं, वही बहुत ज़रूरी इसका काम है। इसके अलावा ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में भी अपना रोल प्ले करता है, अगर ऐसी कंडीशन है आपके पास और सेलेनियम ऑक्साइड पड़ा है। तो ये जो मेंबर देख रहे हो, ये आपको सीधे CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बहुत प्यारा रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट JEE में क्वेश्चन इस पे बना है, वो कैसे क्या कर देगा, साइक्लोकीटोन होगा और इसको ऑक्सीडाइज करने की आपसे बात करेगा। तो आप जब इसमें सेलेनियम ऑक्साइड डालोगे ना, तो एक मज़े की कहानी हो जाती है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यही क्वेश्चन JEE में पूछा था। अच्छा, ये स्टेबल भी है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसका इनॉल फॉर्म बना लोगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप नज़र आएगी, है ना, तो आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप नज़र आएगी। आप इसको चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, क्यों कि स्टेबलाइज्ड हो सकता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिमाग में आ रही है। इसके अलावा अगर ये आपके सामने PHCH2PH है, बेंजीन रिंग है, और आपने इसमें सेलेनियम ऑक्साइड डाल दिया, तो माय डियर ये ग्रुप एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप है और ये बेंजोफिनोन बन जाएगा। मतलब एक मज़े की बात अगर याद हो,
मैं इसको क्यों आपको फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इसका रिवर्स हम बहुत फेमस देखे हैं, हमने एनसीईआरटी में भी हमने इसको देखा है कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ है और सी एच टू में डालना है तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किसन रिडक्शन आप याद कर लेते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ जाता जाना है तो शायद कोई बच्चा याद नहीं करता या बहुत कम बच्चों को याद रहता है। माय डियर, कुछ हटके पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, और इसको इसकी प्रैक्टिस ही है जो आपको ये करा पाएगी। नहीं तो आप कहो कि ऐसे कोई सेलेनियम ऑक्साइड को देख के मैं मैकेनिज्म प्रपोज करके वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में और ये बना लूँ, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको उसका रोल नहीं पता होगा। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसके मेन क्वेश्चन के टाइप पे फोकस करो कि किस किस टाइप के इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चन को परफॉर्म करता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन देख रहे हैं किसका, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप का, तो चाहे तो वो अगर एल्डिहाइड बना रहा है और चाहे तो वो कीटोन बना रहा है, वो डिपेंड करता है एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप में कितने हाइड्रोजन्स हैं जो उस रिएक्शन के लिए परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में वो ऐसे ना लिख के वो H2SeO3 लिख ले, तो घबराइएगा नहीं, काम वही कर रहा है, रोल वही प्ले हो रहा है, बस वो एनहाइड्रस फॉर्म में है और ये इसके हाइड्रस पानी के फॉर्म में है। तो कभी कभी परेशान करते हैं जेई है बेटा, कभी कभी किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आ जाएं आपको नहीं पता, एंड यू हैव टू डील विद ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एट दैट टाइम। आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं यार, मैं इसको भी देख लूँ और इसको भी देख लूँ। हमेशा एक प्रॉपर लिस्ट बना लो रिएजेंट्स की जो हमारे जेई में है, और कौन कौन सी रिएजेंट की लिस्ट है वो हमको करनी है। मैं वैसे लगभग सारे रिएजेंट्स आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। तो चलिए इसका पहला रोल फिनिश करते हैं, ये हमारा इसने ऑक्सीडेशन करने का काम किया। अब देखिए, आपको वो परेशान करने लगेगा, वो कुछ भी टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, है ना, यहाँ पे पहले उसने सेलेनियम ऑक्साइड डाला, ये प्रोडक्ट ए बनाया, फिर उसने इसके बाद जो है इसमें इसने LiAl4 डाल दिया होगा, ठीक है, इथर के साथ, और पानी डाल दिया होगा, और आपसे प्रोडक्ट बी बोल देगा, तो कुछ भी आपसे करवा सकता है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिएगा। तो जैसे आपको पता हो रहा होगा कि दो एक साथ रिएजेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक हमारा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, और एक हमारा रिडक्टिव वाला हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो दोनों रिएजेंट्स को केमिस्ट्री में उसने यहाँ पे एक साथ लिया है, राइट, ये सी डबल बॉन्ड ओ को सीधे यहाँ पे CHOH में कन्वर्ट उसने कर दिया। ठीक है, वो तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मेरा ए हो गया और दोस्त ये मेरा बी हो गया, ठीक, क्लियर कट है, साउंड आ रहा है मेरा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसका रोल है रिएक्शन विद एल्काइंस, ये करता क्या है, जैसे अगर आपके सामने कोई अल्काइन है, जब आप इसमें सेलेनियम ओ डालेंगे तो ये इसको डबल बॉन्ड ओ, ये इसको डबल बॉन्ड ओ और आर डैश में ले जाएगा, मतलब ये जो दो आपको कार्बन दिख रहे हैं, ये एक कार्बन आपको ये दिख रहा है, कार्बन ये दिख रहा है, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ में होते हुए नज़र आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपको बेंजीन फॉर्म में दे दे, है ना, और आपसे बोल दे भाई इसका प्रोडक्ट बना दो, इसके अलावा हो सकता है आपको ये भी दे दे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। काम देखो सब पे आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार अगर आप इसका दिमाग में रोल सेट कर लोगे ना, दो तीन बार लिख लो भाई सेलेनियम ऑक्साइड की ये चार पांच काम होते हैं, हम पांचों काम को दिमाग में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा दोस्त। ठीक है, इसके अलावा अगर वो ये भी दे देता है सेलेनियम ऑक्साइड डाल के, तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाए। तो आप देख पा रहे हो कि
अगर आपको रिएजेंट का रोल पहले नहीं पता हो तो एग्ज़ाम हॉल में क्लिक भी नहीं करेगा वो क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इज एग्ज़ाम में क्लिक करने के लिए कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हाँ सबकी मैकेनिज्म कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे, ठीक है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में, उसके रिएजेंट्स के बारे में हमको ख्याल रखना है, उसका रिएजेंट के बारे में सोचना है, ठीक है, कि किस रिएजेंट का क्या कैसे रोल होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी। थर्ड रिएक्शन इसका है, थर्ड रोल ये है कि इसका जो काम है वो एलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन करता है, किसका, ऑफ एल्कीन्स का, एल्कीन ग्रुप का एलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन करता है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ सेलेक्टिविटी रूल फॉलो करता है, सेलेक्टिविटी रूल को फॉलो करता है कि किसका हाइड्रोक्सीलेशन मुझे करना है और किसका हाइड्रोक्सीलेशन मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं आपको ये लिखने पड़ेंगे। एलाइलिक हाइड्रोक्सीलेशन उस कार्बन का होगा जो डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। सीधी सीधी एक लाइन लिख रहा हूँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड कार्बन इज अंडरगो एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। राइट, पहली कंडीशन इसकी ये है सेलेक्टिविटी रूल की। दूसरा सेलेक्टिविटी रूल ये कहता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाए तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप CH2 को हाइड्रोक्सीलेशन करेंगे, फिर आप CH3 को करेंगे, एंड देन आप CH को करेंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखना है। अभी मैं एग्जांपल्स दे दूंगा तो आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा कि मैं और क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले CH2 ग्रुप का हाइड्रोक्सीलेशन कराऊंगा, फिर CH3 ग्रुप का कराऊंगा, एंड देन CH ग्रुप का हाइड्रोक्सीलेशन कराऊंगा, ठीक है। तो आइए कुछ इसके बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल्स ले लेते हैं, कहाँ कहाँ आपको ये हाइड्रोक्सीलेशन ऑब्जर्व होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं एक सिंपल सा केस ले लेता हूँ जिसमें कोई डिफरेंस नहीं रखता, सब कुछ बराबर रखता हूँ, और मैं यहाँ पे सेलेनियम ऑक्साइड डालता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं नहीं कह सकता कि कोई ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, कोई कम सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से सबका हाइड्रोक्सीलेशन सेम होगा। इसका मतलब किसी एक का हाइड्रोक्सीलेशन करा दो, और आप जब कभी भी हाइड्रोक्सीलेशन कराएंगे तो आपको ये CH3 जो है ये आपको CH2OH बनते हुए नजर आएगा, राइट। तो ये पहला हाइड्रोक्सीलेशन होता है। दूसरा, अगर मान लो जो मैंने आपसे कहा कि सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती और आपको यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड दे देता और आपसे हाइड्रोक्सीलेशन करने को कहता, तो अब आप लॉजिक सोचो कि दोस्त ये सी डबल बॉन्ड से तो यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हैं, मान लेते थोड़ी देर के लिए इसको नंबरिंग कर देते हैं, आओ 1 2 3 4, तो जो 3 नंबर वाले कार्बन के साथ जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं वो आप देख पा रहे हो कि वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उस साइड से ज़्यादा है, बट ऑब्वियस है, तो हाइड्रोक्सीलेशन भी उसी साइड का होने वाला है, राइट। तो जब आप इसका हाइड्रोक्सीलेशन करेंगे तो उसका सीधा सा आंसर आपको ये नज़र आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। इसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी लेना। इसके अलावा कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है
ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही हैं, आपके दिमाग में होंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, आप डील कर पाओगे इन सब टाइप के क्वेश्चन से। जैसे आपके सामने ये है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं आसान करने के लिए, अपन लोग एच कर लेते हैं और मुझसे हाइड्रोक्सिलेशन करने को कहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पहले तो कौन सी साइड ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, अल्फ़ा साइड या बीटा साइड, मैं नंबर से अपनी मर्जी से दे रहा हूँ अल्फ़ा बीटा, है ना, तो आंसर इज़ बीटा साइड। अब ये तो दिमाग में सेट हो गया कि जो हाइड्रोक्सिलेशन होना है दोस्त वो हमारा बीटा साइड पे होना है, अल्फ़ा साइड पे हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होना है। इसका मतलब ये जो CH3 दिख रहा है इस पर हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है और इस पर हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है। तो मैंने एज पर रूल आपको पढ़ाया कि अभी पीछे बोला कि CH2 का जो हाइड्रोक्सिलेशन है वो CH3 के कंपेयर में पहले होगा, मतलब सीधे जो OH लाना चाहेंगे वो हम लोग इस वाले पे लाएंगे। और दोस्त इसका सीधा सा जो आंसर आएगा CH3, यहाँ पे CH या हो जाएगा OH, ये CH और यहाँ आ जाएगा CH3। तो दिस इज नोन एज द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ CH2, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको पहले किसको हाइड्रोक्सिलेशन करना है। इसके अलावा अगर यही सवाल थोड़ा सा और तिगड़म कर दें, अब अगर हमसे हाइड्रोक्सिलेशन करने को कहता है तो मैं किसका हाइड्रोक्सिलेशन करूं, किस साइड का हाइड्रोक्सिलेशन करूं? तो देखो पहले तो डिसाइड कर लो कि अल्फा पे हाइड्रोक्सिलेशन करना है कि बीटा का हाइड्रोक्सिलेशन करना है, राइट? पहले ही हमने ये डिसाइड कर लिया। अब जब हमें बीटा का हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो उसमें भी आपको एक प्रेफरेंस रूल मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप CH2 देन CH3 एंड देन लास्ट में CH प्रेफर करोगे। तो CH को तो आप लास्ट में प्रेफर करोगे, तो बचता कौन सा है? ये CH3 का हाइड्रोक्सिलेशन बचता है। तो आप इस CH3 का हाइड्रोक्सिलेशन जो है फटाफट से करा दो और इसका प्रोडक्ट बना दो। राइट, तो ये इसका बेसिक सा हाइड्रोक्सिलेशन हमने किया। इसके अलावा एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, जब कभी भी हमारे पास ये डबल बॉन्ड पे यहाँ R लगा है तो एक एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, यहाँ डॉट लगा दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो मुझे इसको जब सेरियम ऑक्साइड में डालना है और हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो ईल्ड के बारे में सोचना है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो अगर मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, तो किसी एक को उठा के इसका आप हाइड्रोक्सिलेशन कराओगे तो ये इंटरनल रिंग के अंदर ही हाइड्रोक्सिलेशन करता है, रिंग के कभी भी बाहर हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करता है, इस बात का याद रखना है। मतलब कल को ऐसा हो कि भाई आपको इस CH3R की जगह मैं CH3 ले लूँ और आप फिर CH3 का हाइड्रोक्सिलेशन कर लो, ऐसा मत करना। ये विद इन द रिंग हाइड्रोक्सिलेशन करता है, अगर रिंग है तो विद इन द रिंग हाइड्रोक्सिलेशन करता है, ठीक है। इसलिए दोस्त कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ही इसके आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा इस रीजन को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे भाई पीछे वाले रीजन जो थे हमारे पास वो सिंपल मैकेनिज्म से फॉलो हो जाते थे, ऐसा करेंगे ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बनेगा, बट यहाँ पे हमारी उम्मीद से एकदम परे आंसर आ रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा आपको दोस्त याद करना पड़ेगा, एक बार अगर प्रैक्टिस करके आप याद कर लोगे तो आपका तुरंत काम आसान हो जाएगा। अब एक बात बताता हूँ, जैसे एक मजे की बात बताता हूँ, अगर आपकी सिर्फ साइक्लोअल्कीन है वहाँ पे कोई सब्सटिट्यूट ग्रुप नहीं लगा है और जब आप इसको हाइड्रोक्सिलेशन करते हो तो देखो यहाँ पे OH आया करता था लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो द थिंग इज कि आप एग्ज़ाम में उस टाइम तो सोचोगे ना यार, कोई मैकेनिज्म तो आप दिमाग में लगाओगे नहीं, तो द थिंग इज कि आपको जितना आसानी से याद हो जाए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एक एकदम अलग ही लेवल का आंसर कि ये टर्मिनल अल्कीन को सब्स्टिट्यूट भी करता है प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, टर्मिनल अल्कीन के डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट भी करता है या रीअरेंज भी करता है,
ऐसे लिखते हैं, बुक से लिखते हैं, टर्मिनल अल्कीन ऑक्सीडाइज टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ओके। और उस केस में जो रीअरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट आपका दोस्त हो रहा है। तो कुछ ऐसा कहने सेंस है मेरा, ए ये है, मान लो सेलिनियम ऑक्साइड लिया, इसका हाइड्रोक्सिलेशन सोचना है, तो मुझे वो ये रिजल्ट दे रहा है। अब आप देखो कोई रिजल्ट का अनएक्सपेक्टेड आंसर आ रहा है जो आपसे एकदम उम्मीद नहीं थी। मतलब इस डबल बॉन्ड को पहले एलाइलिक का रीअरेंजमेंट कराया और फिर इसको फ्री करके हाइड्रोक्सिलेशन करने के बाद आपका OH यहाँ पे लाता है। नाउ द थिंग इज, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन की रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप कितना इसको मेमोराइज कर पाते हो, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप दो तीन बार वीडियो को पॉज करके दो तीन बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको तीन रोल बताए, अब मैं आपको चौथा रोल समझा देता हूँ। इसका जो रोल है, रोल इन डिहाइड्रोजनेशन, डी का मतलब होता है बाहर निकालना, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे इसका सबसे पहला काम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है एल्डिहाइड में। अब बहुत सारे तरीके हैं ऑक्सीडाइज करने के एल्डिहाइड के, बट आप इसको भी यूज कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से यहां जाते टाइम सिर्फ एक ही रास्ता है, रास्ते तो दोस्त बहुत सारे हैं। आप कॉपर 573 केल्विन पे डाल दीजिए, ठीक है, आप इसको कंट्रोल्ड पीसीसी में ऑक्सीडाइज कराइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप सेलेनियम ऑक्साइड से भी ऐसा काम कर सकते हो, आप सेलेनियम ऑक्साइड से भी ऐसा काम कर सकते हो, तो एकदम अलग लेवल की चीज़ चल रही है। इसके अलावा एक बहुत नई चीज़ ऑब्जर्व है इसके अंदर, ये ऑब्जर्वेशन है डाटा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलूँगा। ये डाइकीटोन्स के हाइड्रोजन का, मैं कह सकता हूँ इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इसको डिहाइड्रोजनेट कर देता है, मतलब ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और इट्स समथिंग लाइक सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सी एच थ्री आ जाता है। तो ये बहुत यूनिक काम कर रहा है हमारी केमिस्ट्री में, अभी तक हमने सोचा नहीं था कि हाँ भाई डबल बॉन्ड ऐसे भी लाया जा सकता है। तो असल में है कुछ नहीं, ये जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं दो, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से ये जो कार्बन दिख रहा है ये हमारे एक्टिवेटेड कार्बन दिख रहे हैं, तो इसका इस बार ये डिहाइड्रोजनेट कर रहा है। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ही इसके आते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ दोस्त इसको याद करो समझो, ठीक है। इसके अलावा अगर ये एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड के ये दो मोल्स लेता है, सेलेनियम ऑक्साइड में डालते हैं और इसको हीट कर देते हैं। हो सकता है कि कुछ बुक्स में इसमें हीट के साथ एच प्लस एच प्लस दे रखा हो, तो कोई टेंशन नहीं, घबराइएगा नहीं, आपको उस पहचानना है कि ये जो है इसको ख़त्म कर देगा, मतलब सीधे डबल बॉन्ड यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ओके। डबल बॉन्ड में क्यों ले आया, सॉरी, ये हाइड्रोजन लाने की कोशिश करेगा, तो इसको जोड़ देगा इस बॉन्ड को, ठीक है ना, सक्सेनिक ऐसे। हाँ, ज़्यादा हीट करोगे तो सक्सेनामाइड में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ठीक है, ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। पहले हीट अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो एमाइड, फिर वहाँ से एनहाइड्राइड, बट ठीक है, आपको दिमाग नहीं लगाना उतना। ठीक है, आपको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा हीट करने पर होता है,
बस ठीक है, आपका काम यहाँ पे हो जा रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो ये इसका काम जो है ये डिहाइड्रोजनेट करने का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आएगी। वीडियो बहुत छोटी बनने वाली है दोस्त, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स में बहुत लिमिटेड इसके बारे में पढ़ाया गया है, ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, एक आध स्पेशल स्पेशल रोल जो मैंने आपको बताए वो आ जाते हैं, इसके अलावा इसका भी बहुत बड़ा रोल हमारे कोर्स में, जो 5 रोल हैं वो आपको याद हो जाएं तो बस काफ़ी है। 5वां रोल, ये एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है। कैटलिस्ट के तौर पर कुछ ऐसे काम करता है कि ये हाइड्रोक्सीलेशन करने लगता है, डाई हाइड्रोक्सीलेशन। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड, क्या कर रहा हूँ, ये है ना, है ना, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म जो है, यहाँ पे आप सेलेनियम ऑक्साइड डालते हो, ये काम असल में परोक्साइड प्रेजेंस में होता है, तो H2O2 से OH आ जाता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में सेलेनियम ऑक्साइड अपना रोल प्ले करता है। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा, राइट। और इसके बाद आप चाहो तो उसका हार्डलिसिस करके जो है इस तरह को हटा के वहाँ पे OH ला सकते हो। ठीक है, बहुत फेमस नाम है टार्ट्रिक एसिड इसका। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड बुलाते हैं इसको। तो ये इसका एज अ कैटलिस्ट का काम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका काम इम्पॉर्टेंट है, आपको काम याद हो जाए, यही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हमने इसका एक्टिवेटेड मिथाइलिन करवाया, उसके बाद हमने अल्कीन से इफ़ेक्ट देखा, फिर हमने अल्काइन से देखा, फिर हमने डिहाइड्रोजनेशन देखा, और फिर हमने 5वां एज़ अ कैटलिस्ट देखा। तो इसके ये मेन 5 रोल आपको पता होने चाहिए, बाकी वेरिएबल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछता रहता है। ठीक है, ओके, तो बी रेडी फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, कब क्वेश्चन क्या बन जाए नहीं पता, है ना, है ना। तो आप सारे टाइप के क्वेश्चंस के लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रेडी रहोगे। ओके माय डियर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्त, ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप हमसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सीधे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कनेक्ट होने के प्रॉफिट्स, फ़ायदे, बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्या मिलेगा आपको कनेक्ट होके। तो माय डियर, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करता है, इंगेज करता है, आप और हम जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं वो पूछते हैं। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं, और पोलिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि कितने परसेंट बच्चों ने सवाल को सही किया, कितने परसेंट ने गलत किया। तो एक प्रिडिक्शन निकल जाता है कि अच्छा भाई, बच्चों ने क्या सोच के इस आंसर को भी टिक किया होगा। तो हम वो बच्चों से डिस्कस कर पाते हैं, बेटा ऐसे नहीं, बेटा ऐसे करना चाहिए था। इसके अलावा जिन्होंने सही किया, उन्होंने क्वेश्चन को कितने टाइम में ख़त्म किया। हो सकता है इस बच्चे ने क्वेश्चन को 15 सेकंड में किया, हो सकता है किसी ने इसको 1 मिनट में किया हो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो एक टाइम का हमको पता चलने लगता है इस पोल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आर, आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलता है। क्यों हमको देना चाहिए, तो आपको अच्छी तरह पता है, अपनी परफॉर्मेंस में इन्हेंस लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए अपन को हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विज देते रहना चाहिए। देखो दोस्त, मेरा मानना है जितनी गलतियाँ करनी है ना, वो तुम यहाँ कर लो, JEE में अगर वो गलती करोगे तो तुम्हें वो बहुत महंगी पड़ेगी। एक एक मार्क्स की लड़ाई होती है यार, एक एक ये नेगेटिव मार्किंग तक की लड़ाई होती है। नेगेटिव मार्किंग किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, तो रैंकिंग उससे वेरिएबल हो जाती है। तो सोचो कितना इम्पॉर्टेंट है आपका अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना, उसको एनालिसिस करना,
और उसके लिए आपको लाइफ टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देते रहना चाहिए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, पढ़ने के साथ लाइव क्विज को जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आप देख लेंगे बहुत सारी सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवन आपको लाइव मिल जाएंगी, लेकिन आप जब प्लस में रहेंगे तो आपको स्पेशल आपके टाइम शेड्यूल पे आपको टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, ओके। हर टॉपिक पे आपका क्विज होता है जो कि आपको बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ क्विज, ठीक है। नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने प्लानिंग को स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखता है। इससे हम आपको रेगुलर बेसिस पे डीपीपी प्रोवाइड कर पाते हैं, आपके माइनर टेस्ट ले पाते हैं, आपके मेजर टेस्ट ले पाते हैं, टाइम पे आपके सिलेबस को फिनिश करा पाते हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ आपकी हम इस बात पे मदद करते हैं कि अगर कोर्स समय पे ख़त्म होता है तो कैसे रिविज़न करना चाहिए, क्या क्या रिविज़न के फंडे अपनाने चाहिए। क्योंकि माइंड जो है ना दोस्त, ये प्राइमरी और सेकेंडरी का खेल है, दो तरह की मेमोरीज होती है। मैं बहुत बार बच्चों को बताता हूँ, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो आप जो ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हो वो एकदम प्राइमरी है, लेकिन आप भूल जाओगे कुछ टाइम बाद तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। तो उसको अगर आप रिवीजन नहीं दोगे तो यार वो सब कुछ बेकार है। और रिवीजन करने के लिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। बहुत बहुत अलग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अनअकैडमी। क्या खासियत है इस अनलिमिटेड एक्सेस की? तो बेटा इनकेस अगर किसी रीज़न से आप हमारा लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखने का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्त, आप सब्सक्रिप्शन तो किसी एक फैकल्टी का लेते हो, लेकिन कनेक्ट एन नंबर ऑफ फैकल्टी से हो सकते हो। क्या मेरे कहने का सेंस है? मेरे कहने का बहुत बेसिक सा सेंस है कि भाई आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़नी है, आप 10 से पढ़ो। आपको फिजिक्स 20 से पढ़नी है, फिजिक्स 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू, आपका टीचर, आपका सिलेक्शन, आपका टाइम, आपका खुद का बैच, सब आपके हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर, मेरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ निकाली है, बहुत बहुत यूनिक चीज़ है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्या खासियत है इसकी? तो सबसे पहली खासियत तो दोस्त, आपको पर्सनल कोच मिलने वाला है। क्यों ज़रूरत है हमको पर्सनल कोच की? तो देखो, आपको एक आपके साथ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ लैग करते हो, आपको कैसे हार्डवर्क करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, कैसा आप स्टडी को करना चाहिए, कैसे आपके टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हमारी पर्सनल कोच मेल करेगा। टेस्ट का एनालिसिस की बात करें तो यार, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 100% में से मात्र 5% बच्चे ऐसे होंगे जो खुद उसका खुद एनालिसिस करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं और फिर वही टेस्ट देने चले आते हैं और फिर वही गलती निकालते हैं। एनालिसिस करने का फ़ायदा ये है कि आपके टाइम मैनेजमेंट, आपके क्वेश्चन को चेक करना कि आप इस क्वेश्चन को कितने मिनट में कर सकते थे, आपने कितने मिनट में किया। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में अप्रोच बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन के सिलेक्शन का अप्रोच ज़रूरी है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, ख़त्म, डाउन। आपने उसके क्वेश्चन को सेलेक्ट गलत किया, आपकी सेलेक्टिविटी रॉन्ग है। और ये सब चीज़ें ना आपको एनालिसिस खुद से नहीं होंगी, वो आपको हमारे पर्सनल कोच बताएंगे कि आपको बेटा ऐसे करना चाहिए था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती यहाँ करनी जितनी कर लो, एग्ज़ाम हॉल में करने लग जाओगे तो वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी दोस्त, उसकी कॉस्ट की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। स्टडी की प्लानिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप अपने डेली लाइफ में कभी भी एक फिक्स शेड्यूल पे चल नहीं पाते हो। मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे या तो केमिस्ट्री खूब ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, या तो फिजिक्स पढ़ने लगते हैं, या तो मैथ्स पढ़ने लगते हैं, कोई ना एक सब्जेक्ट उनका वीक पड़ जाता है और वो वीक सब्जेक्ट उनको नुकसान पहुँचाता है एग्ज़ाम। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? उनका उनका जो प्लानिंग है वो कस्टमाइज्ड वे में नहीं है, अनऑर्डर्ड पैटर्न फॉर्म में है। और जब कोई चीज़ हमको डराने लगती है ना, जैसे मान एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी को केमिस्ट्री नहीं अच्छी लग रही है तो वो छोड़ने लगता है उसको, जबकि दोस्त केमिस्ट्री एक आपकी जेई की बैकबोन है, आप केमिस्ट्री से अपने मार्क को बूस्ट अप कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ये नहीं कहूँगा ना तुम्हारे दिमाग में कमी है, या तुम्हें फिजिक्स आ रही है, मैथ्स आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। आई थिंक आपने उसको कस्टमाइज्ड वे में पढ़ा नहीं है, उसकी प्लानिंग नहीं की, उसकी स्ट्रेटजी सही नहीं है आपकी। ये सब चीज़ें आपको हमारे पर्सनल कोच हेल्प करेंगे। इसके अलावा जितने भी प्लस के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, मॉक टेस्ट, लाइव क्विज, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। दोस्त, हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे करनी है। हमारे दोस्त प्लस कोर्स की जो फ़ीस है, 12 मंथ की जो फ़ीस है, वो 38,500 है।
और इसमें आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 34,650। ठीक है दोस्त, इस अमाउंट को आप नो कॉस्ट ईएमआई पे भी पे कर सकते हो। इसके अलावा दोस्त, इस 10% को अवेल करने के लिए यूज़ माई कोड धीरेन DHIREN। 2-3 बार इस कोड को आप बोल लो, माइंड में सेट कर लो, शायद आपके कोड बहुत काम आए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारा 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहते हैं, ये उन बच्चों को लेना चाहिए जो अभी रिसेंटली क्लास 11th में गए हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत इकोनॉमिकल भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना सस्ता है ये प्लान। 56,000 का दोस्त पड़ रहा है, और अगर आप इसमें 10% का डिस्काउंट लगा दें तो आपको ऑनली एंड ऑनली 50,400 का पड़ रहा है। दोस्त, इसको भी आप हमारे कोड को यूज़ करके धीरेन DHIREN इसको यूज़ करके आप ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ ये बहुत इकोनॉमिकल है, तो देखो दोस्त, आप चाहो तो उसको EMI पे कर सकते हो, और EMI जो बैठ रही है वो मात्र और मात्र 2100 रुपये पर मंथ की बैठ रही है। और अगर मैं पर सब्जेक्ट पे बैठाने लग जाऊँ तो मात्र और मात्र 700 रुपये पर सब्जेक्ट बैठ रही है। तो सोचो, कुछ भी नहीं है ये EMI, कुछ भी नहीं है। 700 रुपये में यार आपको पूरा महीने की EMI पड़ रही है, तुम्हारी गली कूचे की कोचिंग इससे महंगी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कितना इकोनॉमिकल, कितना अफोर्डेबल प्लान है ये। ठीक है, इसके अलावा आप सोच रहे होगे 1 मंथ 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हो, सोचना भी नहीं इस प्लान को। रीज़न बिहाइंड, PCM मिला के हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, और चैप्टर्स मिला के दोस्त 90+ चैप्टर्स हैं। तुम दिल से पूछो कि क्या वाकई तुम्हें 3 महीने, 6 महीने या 1 महीने में तुम्हें ये 90+ चैप्टर तुम कवर कर लोगे? इट इज प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि या तो आप 12 मंथ का परचेज करिए दोस्त, या तो 24 मंथ का परचेज करिए। इसके अलावा दोस्त, अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ की जो फीस है वो 56,000 है, और इसमें 10% का डिस्काउंट लगा के 50,000 हो जाएगा यूजिंग माई कोड धीरेन। सेम एस 24 मंथ का प्लान हमारा आइकॉनिक का 86,000 है, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहें तो इन दोनों को नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हैं। दोस्त, आप मुझसे रोज़ रात में 9 बजे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एट द स्पेशल क्लासेस। ठीक है, जहाँ पे आपके जो भी मन में डाउट्स होंगे हम आपको वहाँ बताएंगे। आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे क्विजेस दे सकते हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज़ ले आया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। बूम बूम, रैपिड फायर, PYQ, नेम रिएक्शन सीरीज़, रिएजेंट सीरीज़, सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे कनेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इतना पेशेंस रखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इस कोड दैट इज़ धीरेन DHIREN इसको याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बरी, थैंक यू वेरी मच।